हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो विभव मापी है। विभव मापी से सवाल हमारे यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में या अन्य एग्ज़ामों में न्यूमेरिकल के रूप में आते हैं, और विभव मापी एक प्रयोगात्मक टॉपिक भी है, यानी विभव मापी का हम प्रैक्टिकल भी करते हैं। तो विभव मापी एक विद्युत उपकरण है जिसका उपयोग तीन तरह से किया जाता है। पहला उपयोग इसका होता है कि किसी सेल का विद्युत वाहक बल इससे निकाला जाता है, यानी पहला उपयोग है किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए। दूसरा उपयोग है दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करना, दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करना। और तीसरा उपयोग इसका है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करना, क्या दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करना। ये हमारा विभव मापी का तीन उपयोग होता है। पहला, किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना। दूसरा, दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करना। और तीसरा, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करना। तो विभव मापी की संरचना के विषय में अगर हम बात करें तो इसमें एक लकड़ी का बोर्ड होता है जिस पर एक मीटर पैमाना लगा होता है, यानी एक मीटर लंबा पैमाना होता है जो सेंटीमीटर में अंशांकित होता है, यानी सेंटीमीटर में अंकित हुआ एक मीटर लंबा पैमाना होता है। इस कार्डबोर्ड, इस लकड़ी के बोर्ड पर दो संयोजक पेच होते हैं, एक ए होता है और दूसरा बी होता है। और इसमें एक अत्यंत लंबा मैग्नीन या कॉन्स्टेंटेन, क्या मैग्नीन या कॉन्स्टेंटेन का एक समान मोटाई का लंबा तार होता है जिसको ए और बी पेचों के बीच इस तरह से कसते हैं। ए से ए पर कस दिए पहला सिरा, और इस तरह से आते हुए इस तरह से दूसरा सिरा हम बी पर कस देते हैं। और इस ए सिरे को एक संचायक सेल के प्लस टर्मिनल से जोड़ देते हैं। देखिए, ये हमारा यहाँ पर ए सिरा है, इस लंबे तार ए और बी के बीच जो लंबा तार कसा हुआ है इस तरह से, उस लंबे तार का एक सिरा ए इस संचायक बैटरी के प्लस टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, और दूसरा सिरा बी एक धारा नियंत्रक और एक कुंजी के सहयोग से इसी बैटरी के माइनस टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। इस पॉइंट ए को एक और सेल के प्लस टर्मिनल से जोड़ते हैं जिसके विद्युत वाहक बल को ज्ञात करना होता है, और इस सेल के माइनस टर्मिनल को धारा मापी से होते हुए एक जॉकी, एक सर्पी कुंजी से जोड़ते हैं, और यह सर्पी कुंजी ए और बी के बीच खिसक सकता है। तो यह हमारी हो जाती है विभव मापी की संरचना। और इसकी कार्यविधि क्या होती है, ये कैसे कार्य करता है, उसको अगर देखें हम तो देखते हैं, जब कुंजी K को ऑन करके इस बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो A और B के बीच जैसे जैसे हम जाते हैं वैसे वैसे पोटेंशियल ड्रॉप, विभव गिरता जाता है, यानी A और B के बीच जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे विभव क्या होता है, गिरता जाता है। मान लेते हैं किसी समय ये सर्पी कुंजी इस पॉइंट J1 पर है, तो J1 पर जब ये पॉइंट है तो इस A और J1 के बीच विभव इस सेल का गिरेगा, और A पर उच्च विभव होगा और J1 पर निम्न विभव होगा। यानी अगर इस A, J1 और E के परिपथ को अगर यहाँ पर बनाएं तो कुछ इस तरह से बन के आएगा, ये धारा मापी हो गया और यहाँ से ये हमारा सेल हो गया, ये प्लस टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल है। इस तरह से जब सर्पी कुंजी इस ए बी तार के पॉइंट J1 पर होगा तो ऐसी स्थिति में ये एक परिपथ बन के आएगा, यहाँ ए उच्च विभव पर होगा और J1 निम्न विभव पर होगा, यानी ए से J1 तक एक विभवांतर होगा, और उस विभवांतर को एक सेल के रूप में, विभवांतर क्या होता है, अगर दो बिंदुओं के बीच विभवांतर आरोपित किया जाता है तो
तो उनके बीच विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है, यानी विभवांतर से विद्युत धारा प्रवाहित होता है या फिर विद्युत सेल के माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित होता है। तो ए और जे के बीच अगर विभवांतर है तो ये ए और जी के बीच का विभवांतर भी एक विद्युत सेल की भांति व्यवहार करेगा, जिसका ए टर्मिनल उच्च विभव पर है और जे वन टर्मिनल निम्न विभव पर है। तो एक सेल ये बन गया और दूसरा सेल ये बन गया। अब इस सेल की वजह से विद्युत धारा इस दिशा में चलेगी, ए ई जे वन इस दिशा में एंटी क्लॉकवाइज, और इस जो हमारा सेल लगा हुआ है जिसके विद्युत वाहक बल को ज्ञात करना है उसके कारण धारा इस दिशा में चलेगी। मान लेते हैं जब सर्पी कुंजी जेवन पर है, ऐसी स्थिति में ए और जेवन के बीच का विभवांतर इस विद्युत वाहक बल से कम हो, तो ये वाली धारा, अगर ये विभवांतर जिसको हम अगर V1 से लिखें तो ये विभवांतर V1 छोटा है किससे, E से, तो V1 के कारण जो धारा इस दिशा में बह रही थी वो धारा कम होगी E के कारण जो धारा इस दिशा में बह रही थी, यानी E के कारण जो धारा होगी वो क्या होगी, प्रभावी होगी। अगर E के कारण धारा प्रभावी होगी तो ऐसी स्थिति में रिजल्टेंट धारा, परिणामी धारा जो बहेगी वो इस विद्युत वाहक बल E वाले सेल के कारण जो धारा बह रही उस दिशा में बहेगी, यानी यहाँ पर परिणामी धारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बहेगी, यानी A J1 E की दिशा में धारा बहेगी। और इस स्थिति में मान लेते हैं कि इस धारा मापी में विक्षेप इस दिशा में हो जाता है। ये पहला पॉइंट हो गया, जब सर्पी कुंजी J1 पर है तो A और J1 के बीच एक विभवांतर होगा, ये विभवांतर कुछ इस तरह के विद्युत सेल की भांति व्यवहार करेगा, जिसका ए पॉइंट उच्च विभव होगा और J1 पॉइंट निम्न विभव होगा। ऐसी स्थिति में ये जो ए और J1 के बीच विभवांतर उत्पन्न होगा वो विभवांतर एक विद्युत सेल की भांति व्यवहार करेगा, जिसका विभवांतर मान लेते हैं V1 है और वो V1 सेल के विद्युत वाहक बल E से कम है, तो इस विभवांतर के कारण धारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगी और इस सेल के कारण धारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगी। लेकिन E का मान अधिक है तो ऐसी स्थिति में जो परिणामी धारा होगी वो E के द्वारा प्रवाहित धारा की दिशा में होगी, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी, और इस धारा मापी में मान लेते हैं विक्षेप इस दिशा में हो गया। तो ये हमारा विक्षेप हो गया कब, जब सर्पी कुंजी J1 पॉइंट पर था। अब आगे हम सर्पी कुंजी को खिसकाते हुए पॉइंट J2 पर ले जाते हैं, तो अब पॉइंट जब J2 पर ले जाएंगे तो कुछ पॉइंट J2 ये हो जाएगा और A ये हो जाएगा, और ऐसी स्थिति मान लेते हैं अब दूसरा विभवांतर A और J2 के बीच V2 हो जाता है, और ये विभवांतर V2 E से अधिक हो जाता है। अब A और J2 के बीच का विभवांतर इस सेल के विद्युत वाहक बल से अधिक हो जाता है। अब जब सेल के विद्युत वाहक बल से अधिक हो जाता है तो अब की बार E के द्वारा धारा इस दिशा में चलेगी और V2 के कारण धारा इस दिशा में चलेगी, लेकिन V2 क्या है, E से अधिक है। ऐसी स्थिति में धारा की दिशा क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाएगी। जो परिणामी धारा होगी वो A और J2 के बीच जो विभवांतर है V2 के कारण V2 के ही दिशा में होगी, क्यों, क्योंकि V2 ज़्यादा है और E कम है। तो ऐसी स्थिति में धारा की दिशा क्या हो जाएगी, AEJ2 की दिशा में हो जाएगी, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी। पहले स्थिति में धारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थी तो विक्षेप इस दिशा में था, दूसरी स्थिति में धारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो विक्षेप इसके अपोजिट डायरेक्शन में इस दिशा में हो जाएगा। अच्छा, यानी J1 पर धारा मापी में विक्षेप इस दिशा में है, J2 पर धारा मापी में विक्षेप इस दिशा में है। J1 और J2 के बीच कोई पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पर धारा मापी में विक्षेप नहीं होगा, और ऐसी स्थिति में इस A और J के बीच का जो विभवांतर होगा इस सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा, यानी अगर A और J के बीच का विभवांतर भी हो तो भी किसके बराबर हो जाएगा, E के बराबर हो जाएगा। ये हमारा हो गया तीसरा कंडीशन जब सर्पी कुंजी J पर है। अब जब सर्पी कुंजी J पर है तो V और E एक दूसरे के बराबर हो जा रहे हैं, यानी अगर A और J के बीच का हम विभवांतर निकाल लें तो वो विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया इसकी कार्यविधि, कैसे विभवमापी कार्य करता है। अब
यदि इस तार की विभव प्रवणता के हो, क्या हो, यदि तार की विभव प्रवणता के हो और जब सर्पी कुंजी जे पर हो और धारा मापी में विक्षेप शून्य हो, तो ए एवं जे के बीच का विभवांतर भी सेल के विद्युत वाहक बल ई के बराबर होगा। ऐसी स्थिति में भी बराबर ई होगा। और अगर इस ए और जे के बीच के तार की लंबाई एल हो, यदि ए एवं जे के बीच तार की लंबाई एल हो, तो ए एवं जे के बीच विभवांतर भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एल होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि विभव प्रवणता बराबर क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर भी तथा दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी यल, यानी के इक्वल टू क्या होता है, भी बाई यल होता है। तो यहाँ से भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के यल हो जाएगा। तो यहीं से भी इक्वल टू के यल आता है। अब सेल का विद्युत वाहक बल ई और विभवांतर भी एक दूसरे के बराबर है, अतः भी बराबर ई के अनुसार क्या हो जाएगा, के एल बराबर ई। यदि विभव प्रवणता के ज्ञात हो तो शून्य विक्षेप की स्थिति को ज्ञात करके सेल के विद्युत वाहक बल ई को ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा, अब इस तार के विभव प्रवणता को ज्ञात करने के लिए हम एक ज्ञात विद्युत वाहक बल का सेल यहाँ लगा लेते हैं। जब ज्ञात विद्युत वाहक बल का सेल लगा लेंगे और मान लेते हैं कि उसका विद्युत वाहक बल E1 है, तो क्या लिखेंगे कि तार की विभव प्रवणता को ज्ञात करने के लिए एक मानक विद्युत वाहक बल E' को ई के स्थान पर लगाते हैं और शून्य विक्षेप की स्थिति L' को ज्ञात कर लेते हैं। इस स्थिति में E' इज इक्वल टू के इंटू L'। क्या कि इस तार के विभव प्रवणता को ज्ञात करने के लिए इस ई के स्थान पर एक दूसरे ज्ञात विद्युत वाहक बल के सेल को लगा देते हैं और हम सर्पिंग कुंजी को खिसकाते हुए ऐसी स्थिति में ले जाते हैं कि इस धारा मापी में विक्षेप शून्य हो जाए। तो धारा मापी में जब विक्षेप शून्य होगा तो उस पॉइंट की स्थिति अगर L' है तो विभव प्रवणता के इंटू L' इज इक्वल टू भी होगा और वो भी किसके बराबर जाएगा, E' के बराबर जाएगा। तो यहाँ से E' हमको मालूम है और L' भी मालूम हो गया, तो ऐसी स्थिति में के इक्वल टू क्या हो जाता है, E' अपॉन L'। तो यहाँ से हम K का मान निकाल लेते हैं और इस K का मान यहाँ पर रख करके हम इस अपने अज्ञात विद्युत वाहक बल के सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया विभवमापी कैसे कैसे कार्य करता है। तो एक बार फिर हम देख लेते हैं कि विभवमापी की संरचना में विभवमापी एक ऐसा उपकरण है जिसके सहयोग से हम किसी सेल के विद्युत वाहक बल को ज्ञात करते हैं, दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करते हैं और दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को ज्ञात करते हैं। विभवमापी में एक लकड़ी का बोर्ड होता है जिस पर एक मीटर पैमाना लगा हुआ होता है। इस मीटर पैमाने के समानांतर करते हुए एक अत्यंत लंबा तार AB होता है जिसको संयोजक पेच A और B के बीच इस तरह से कस देते हैं और कसने के बाद ये कुछ विभव मापी का परिपथ इस तरह से बन जाता है। ये हमारा पॉइंट A है, ये हमारा पॉइंट B है, A और B के बीच ये लंबा सा तार मैग्नीन अथवा कॉन्सेंट्रेंट का कस देते हैं। अब संयोजक पेच A को एक संचायक बैटरी
B1 के धन टर्मिनल से जोड़ देते हैं और इस तार के पॉइंट B को एक धारा नियंत्रक से होते हुए, कुंजी से होते हुए, इसी संचायक बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ देते हैं। अब उस सेल के धन टर्मिनल को पॉइंट A से जोड़ते हैं और ऋण टर्मिनल को एक धारामापी से होते हुए एक सर्पी कुंजी से जोड़ देते हैं। ये तो इसकी संरचना हो गई। अब ये सर्पी कुंजी A और B के बीच कहीं भी खिसकाया जा सकता है। जब हम कुंजी K को ऑन करके इस परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और इस सर्पी कुंजी को इस तार A से B के बीच खिसकाते हैं, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे इस तार के बीच विभव क्या होता है, गिरता जाता है। अब जब विभव गिरता जाता है तो मान लेते हैं किसी समय सर्पी कुंजी J1 पर है। अगर J1 पर है तो A और J1 के बीच विभवांतर उत्पन्न होता है और यह विभवांतर इस AJ1E परिपथ के बीच विद्युत धारा प्रवाहित करता है। विद्युत धारा चूँकि A उच्च विभव पर होता है, J1 निम्न विभव पर होता है, ऐसी स्थिति में A और J के बीच एक विद्युत सेल की तरह विभवांतर कार्य करने लगता है और इस विभवांतर का धारा एंटी क्लॉक डायरेक्शन में और इस सेल का धारा क्लॉक वाइज डायरेक्शन में होती है। लेकिन जब विभवांतर इस विद्युत वाहक बल से कम होता है तो ई के कारण जो विद्युत धारा होती है वो प्रभावी होती है और रिजल्टेंट धारा जो होती है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलने लगती है। ऐसी स्थिति में मान लेते हैं धारा मापी में विक्षेप इस तरह से हो जाता है। अब सर्पी कुंजी को खिसकाते खिसकाते J2 पर ले जाते हैं और A और J2 के बीच का विभवांतर यदि ई से ज़्यादा हो जाता है तो अब परिपथ AJ2E में जो धारा बनने लगती है वो पहले जो धारा पर रहती AJ1E के बीच के विपरीत दिशा में हो जाती है और धारा मापी में विक्षेप इसके अपोजिट डायरेक्शन हो जाता है। J1 और J2 के बीच कोई एक पॉइंट J ऐसा होगा जहां पर रहने पर विभव मापी में विक्षेप शून्य होगा। क्यों? क्योंकि A और J के बीच का विभवांतर इस सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाता है और जब विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाता है तो इस स्थिति में V बराबर E हो जाता है। यदि इस तार की विभव प्रवणता K होती है तो V=K×L कह लेते हैं। L क्या होता है? शून्य विक्षेप की स्थिति होता है, यानी A से शून्य विक्षेप की स्थिति J तक के तार की लंबाई जो होती है वो क्या होती है? L होती है। तो V=KL हो गया। अब V=E है, V=KL है, तो ऐसी स्थिति में KL=E हो जाएगा। हमको विभव प्रवणता मालूम हो, हमको इस J की स्थिति मालूम हो तो K×L करके हम E का मान, सेल के विद्युत वाहक बल E का मान निकाल लेते हैं। अब तार की विभव प्रवणता निकालना है तो उसको निकालने के लिए एक स्टैंडर्ड सेल यहाँ पर लगा लेते हैं जिसका विद्युत वाहक बल हमको मालूम होता है। अब यहाँ से शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं और शून्य विक्षेप की स्थिति मान लीजिए A से L- दूरी पर है तो K×L′ इस स्टैंडर्ड सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में E- अगर मानक सेल स्टैंडर्ड सेल का विद्युत वाहक बल E- हो तो E′=K×L′ हो जाता है। यहाँ से K का मान निकाल लेते हैं और K=K क्या हो जाता है? E′/L′ हो जाता है। स्टैंडर्ड सेल का विद्युत वाहक बल E- हमको मालूम है और शून्य विक्षेप की स्थिति को हम L- को निकाल लेते हैं तो यहाँ से हमको K का मान निकल जाता है। इस K का मान यहाँ पर रख करके हम क्या निकाल लेते हैं? अज्ञात विद्युत वाहक बल के सेल का विद्युत वाहक बल निकाल लेते हैं। अब बात आती है इस विभव मापी की सुग्राहिता की। विभव मापी की सुग्राहिता, विभव मापी तब अधिक सुग्राही माना जाता है जब इस परिपथ में विद्युत धारा के छोटे से मान के लिए इस सर्पी कुंजी को अत्यधिक खिसकाना पड़े या छोटे से धारा परिवर्तन में सर्पी कुंजी को अधिक खिसकाना पड़े। ऐसी स्थिति में इस तार की विभव प्रवणता कम होनी चाहिए, तभी V=K×L के हिसाब से K का मान जब कम होगा तो L का मान अधिक होगा। यानी छोटे से विभव में परिवर्तन के लिए सर्पी कुंजी को बहुत अधिक खिसकाना पड़ जाए तो ऐसी स्थिति में विभव मापी अधिक सुग्राही माना जाता है, क्योंकि सर्पी कुंजी को अधिक खिसकाने पर जो रीडिंग होती है उसको हम आसानी से और अधिक शुद्धता से ले सकते हैं। तो ये विभव मापी की सुग्राहिता हो गई। इसके लिए विभव मापी अधिक सुग्राही तब होगा जब तार की विभव प्रवणता कम होगी और जब तार की विभव प्रवणता कम होगी तो छोटे से धारा परिवर्तन के लिए या छोटे से
विभवांतर के लिए एल का मान बहुत अधिक होगा, यानी सर्पी कुंजी को बहुत अधिक खिसकाना पड़ सकता है। तो ये हमारा विभव मापी की सुग्राहिता होगी। तो क्या लिख सकते हैं कि विभव मापी की सुग्राहिता तार ए बी के विभव प्रवणता पर निर्भर करता है। विभव प्रवणता जितना कम होगा छोटे से धारा परिवर्तन अथवा विभव परिवर्तन के लिए सर्पी कुंजी को अधिक खिसकाना पड़ेगा और शून्य विक्षेप की स्थिति अधिक शुद्धता के साथ ली जा सकती है। तो ये हमारे हो गए विभव मापी की सुग्राहिता, कि विभव मापी की सुग्राहिता इस बात पर निर्भर करती है कि इस तार ए बी की विभव प्रवणता कितनी कम है, यानी विभव प्रवणता जितनी ही कम होती है विभव मापी की सुग्राहिता उतनी ही अधिक होती है। और छोटे से धारा में परिवर्तन के लिए या छोटे से विभव में परिवर्तन के लिए सर्पी कुंजी को अधिक दूर खिसकाना पड़ता है और ऐसी स्थिति में शून्य विक्षेप की स्थिति को अधिक शुद्धता से मापा जा सकता है। तो ये हमारा हो गया विभव मापी, जिसका हमने उपयोग देखा कहाँ कहाँ करते हैं, किसी सेल के विद्युत वाहक बल को मापने में, या दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने में, या दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापने में। इसकी संरचना को हमने देखा। उम्मीद करते हैं कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और यदि वीडियो क्लिप पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपके फिजिक्स की मुकम्मल तैयारी होती रहे। तो आज बस इतना ही, अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में। एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।